हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम उड़द की दाल एक कटोरी डाल देंगे। अब हमने जितनी दाल ली है उसकी डबल क्वांटिटी में पानी लेंगे। पानी डाल लेने के बाद इसे 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए 5 घंटे के बाद हमारी दाल फूल गई है। अब हम इसको अच्छे तरह से धोएंगे, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हमने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है। देखो कितनी अच्छी पेस्ट बन गई है इसकी। अब इसे हम बॉइल में निकाल देंगे। अब हम अपनी पेस्ट में धनिया डाल लेंगे। अब हरी मिर्च डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे सॉफ्टनेस के लिए। ऑयल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऑयल को हीट कर लेंगे। अब हमारा ऑयल हीट हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट तैयार की थी, अब हम उसके पकोड़े बनाएंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब हमारे पकोड़े तैयार हो गए, इन्हें हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। देखिए हमारे बड़े हो गए हैं रेडी, कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम दही की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दही को बीट करेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह हमने बीट करना है। इसमें धनिया, हरी मिर्च, इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे, इसमें हम बड़े को भिगो देंगे। इससे हमारे दही बड़े और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम बड़ों में से एक्सेस वाटर निकाल लेंगे और एक एक करके दही में डालते जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, पुदीना पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम पीसा हुआ धनिया और हरी मिर्च डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये लीजिए हमारे दही बड़े हो गए तैयार आपके अंजू फूड लैब में। थैंक यू।